आज डेट है 8 नवंबर और सुबह के अभी 9 बजे हुए हैं। हम लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। यार हम लोगों का आज प्लान है यहाँ से लैंसडाउन निकलने का। लैंसडाउन यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर के आसपास है और बसेस वगैरह बस मिल जाएगी यहाँ से। अब मैंने पता किया था तो लोगों ने बताया बस मिल जाती है बस स्टॉप से। चलते हैं देखते हैं। बाकी रूम यार ऐसा था, सामान सारा बिखरा पड़ा हुआ है। इसको अभी सब बैग में डालते हैं। ये मेरा बैग है, ये विनय का बैग हो गया। तो अभी सामान वगैरह पैक करते हैं, उसके बाद बाहर मिलते हैं फिर। यार यहाँ से बता रहे हैं अभी लैंसडाउन के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा, कोई बस वगैरह नहीं मिलेगा। तो यार देखते हैं, हमको लग रहा है प्लान चेंज करना पड़ेगा, आज फिर से हरिद्वार रुकना पड़ेगा। चलो बस स्टॉप पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सिस्टम रहता है। तो यार हम लोगों ने सोचा था कि हो जाएगा, हैंड्स डाउन पहुँचेंगे यहाँ से। चलते हैं देखते हैं। ऋषिकेश से लैंड्स डाउन जाने के लिए दो रूट दिखा रहा है। तो पहला रूट हम लोगों का है ऋषिकेश से पहले हरिद्वार जाएं, फिर उसके बाद हम लोग नजीबाबाद पहुँचे, फिर कोटद्वारा, उसके बाद लैंड्स डाउन पहुँचे। और उसके बाद दूसरा रूट ये ऊपर से दिखा रहा है। तो इस पे प्रॉब्लम ये है कि इस पे इस टाइम पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं अवेलेबल है, तो हम लोग इस तरफ से ये रूट नहीं ले सकते हैं, नहीं जा सकते। इधर से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें ऋषिकेश से हरिद्वार होते हुए, तो उधर से लगभग 125 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो हम लोग फ़िलहाल चलेंगे इसी रूट से, ऋषिकेश से ले पहले हरिद्वार पहुँचेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे नजीबाबाद, फिर कोटद्वार पहुँचेंगे, उसके बाद फिर लैंसडाउन जाएंगे। यार तो प्लान चेंज हो रहा है, हम लोगों को पहले हरिद्वार जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कोई भी बस डायरेक्ट लैंसडाउन के लिए नहीं है। देखते हैं क्या होता है, चलते हैं पहले हरिद्वार पहुँचते हैं। यार तो बस मिल गई है हम लोगों को, अब अभी यहाँ से निकलते हैं। लगभग आधे घंटे के आसपास, आधे पौने घंटे के आसपास टाइम लगेगा। अभी हम लोग यार हरिद्वार पहुंचे हैं, चंडी देवी ये चौराहा है। अब यहाँ से भी इससे जीप से पहुँचेंगे हम लोग, जीप से निकलना है। यार किराया ये लोग बहुत ले लेते हैं भाई। अब 75 किलोमीटर है उससे, उसके लिए यहाँ से 100 रुपये है। बस वगैरह नहीं जाती हैं यहाँ से। पूछा एक दो लोगों से, कोई सटीक जवाब नहीं मिल रहा। हम लोगों को पहुँचना भी है 3 बजे तक, कैसे होगा चलिए देखते हैं।
बस आ गई, उस बस से अभी निकले हैं हरिद्वार से लोग। हरिद्वार से भी बस हम लोगों को लेके जाएगी कोटद्वार, कोटद्वार से फिर देखते हैं। यहाँ से कोटद्वार है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास। देखते हैं हम लोग कितनी देर पहुँचते हैं। अभी वहाँ से फिर कोटद्वार से लोग लैंड डाउन 45 किलोमीटर पड़ेगा। रास्ते बहुत खराब हैं, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर जगह रोड बन रही है, और ऊपर से बस वाले इतना तेज चलाते हैं भाई, ये माउंटेन एरिया के बस वाले वाकई एक्सपर्ट होते हैं बस चलाने में। अभी हम लोग नजीराबाद पहुँचे हैं फाइनली। बाकी यहाँ से तो लग रहा है रोड सही है। अब अभी हम लोगों का डेस्टिनेशन जो है 26 किलोमीटर के आसपास है। अभी कोटद्वार पहुँचने के लिए लगभग 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और हम लोग फिर से अभी यूपी से फिर से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग कोटद्वार पहुंचेंगे 8 किलोमीटर के आसपास, उसके बाद वहां से 44 किलोमीटर पड़ेगा हम लोगों का लैंस डाउन। तो देखते हैं रात को हो ही जाएगी यार पहुंचने में। यहां से अब यार यार जहाँ पे रुकना है वो, अभी उनका फ़ोन आ गया है कि इतनी देर में पहुँच रहे हैं। एक्चुअली मैंने उनको बता दिया था कि हम लोग 3-4 के बीच में चेक इन कर लेंगे, लेकिन अभी हमको लगता है 4 बज जाएगा हम लोगों को यहीं कोटद्वार में। यार देखो यहाँ पे लैंड डाउन के लिए बोलेरो मिल रही है। लैंड्स डाउन कितनी देर बाद चलेंगे दादा? सवारी भर के निकलेंगे दादा। अच्छा कितने, दो ही लोग? हाँ बैठो कोई ऐसी सवारी। किराया वगैरह कितना है? 100 रुपये एक आदमी का। We'll be right back.
लैंसडाउन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का खूबसूरत हिल स्टेशन, जिसको अंग्रेज़ों ने 1857 में इस्टेब्लिश किया था। उस समय के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर ही इसका नाम लैंसडाउन रखा गया था। वैसे इसका वास्तविक नाम कालू डांडा भी है। लैंसडाउन का पूरा क्षेत्र गढ़वाल रेजिमेंट के अंडर आता है। लैंसडाउन का कुल एरिया 6.09 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ की कुल पॉपुलेशन अप्रॉक्स 6,000 है, जिसमें 94.53% हिंदूज, 4.61% मुस्लिम्स, 0.32% क्रिश्चियन, 0.28% सिख्स, 0.09% बुद्धिस्ट एंड 0.02% चाइनीज़म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। इस तरह से जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको हम यहाँ लैंसडाउन में देख सकते हैं। लगभग अंधेरा हो गया है और अभी हम लोगों को लैंसडाउन पहुंचने के लिए लगभग 10 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ेगा। यार, हम लोगों ने जो पहले से हॉस्टल बुक किया था उसको भी कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ड्राइवर भाई साहब बता रहे हैं कि ये जहां पे छोड़ेंगे वहां से लगभग 10 से 12 किलोमीटर वो हॉस्टल और आगे पड़ेगा। तो अब इस टाइम पर वहाँ जाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रात हो गई है और कोविड का भी इफ़ेक्ट है, जिस वजह से शेयर्ड टैक्सी मिलेगी नहीं हम लोगों को। तो हम लोगों ने अपना हॉस्टल वहाँ का कैंसिल कर दिया है। अब पहले हम लोग लैंसडाउन पहुँचते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है वहाँ पे। फाइनली हम लोग लैंसडाउन पहुंच आए हैं और अभी रात के 8 बजे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर शॉप्स यहाँ पे बंद हो चुकी हैं और हम लोगों का अभी मेन काम है सिर्फ हॉस्टल ढूंढना। तो अभी पीछे एक भाई साहब से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि थोड़ी दूर आगे चले जाओ, वहाँ पे एक हॉस्टल है, बस वही हॉस्टल हम लोग ढूँढ रहे हैं यार अभी। और आगे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग आगे कितना अंधेरा है। तो हम लोग बस इसी अंधेरे में जा रहे हैं, हॉस्टल ढूँढ रहे हैं, बाकी जो भी अपडेट होता है वो देते हैं फिर आगे।